सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पाठ 9 सप्त भगिन्या का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। बेटा, सप्त भगिन्या का मतलब होता है सात बहनें, लेकिन इस पाठ में कोई सात बहनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर सात राज्यों के बारे में वर्णन है जो हमारे भारत की जो पूर्व दिशा में स्थित हैं। आपने मैप देखा होगा SS में भी कि जो हमारा भारत का जो मानचित्र है उसमें दिखाते हैं पूर्व दिशा में छोटे छोटे कई राज्यों का एक गुच्छा सा बना हुआ है, ठीक है। पूर्व दिशा में जो नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब हैं छोटे छोटे। उन सात राज्यों को यहाँ पर सात बहनों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस पाठ का नाम है सप्त भगिन्या। तो ध्यान से समझना सभी बच्चे। अध्यापिका, कक्षा में सब बात, ये जो पाठ है ये कक्षा में अध्यापिका और बच्चों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया है। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। अध्यापिका कहती है सुबह की नमस्ते। छात्रा, छात्रा कहती हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते, या फिर केवल नमस्ते ही कह सकते हो, नमस्ते नमस्ते। तो अध्यापिका कहती है भवतु, ठीक है, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो छात्रा, छात्राएं कहती हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, अच्छा वदत, बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, हमारे देश में कितने, कति का अर्थ होता है बच्चों कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदये, महोदया 24 राज्य हैं। तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है अन्य को भी, कोई और भी बताइएगा। तो स्वरा कहती है मध्य एवं बीच में ही भूल पड़ती है, महोदये, महोदया, मे भगनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, कथयति, यद, यद का मतलब कि अस्माकं देशे, हमारे देश में 28 मतलब 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये बुक जो है ये पहले की, ये लेसन पहले का है, इसलिए यहाँ पर सात केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, लेकिन अब हमारे वास्तव में नौ केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं, ठीक है। तो हमारे अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं बच्चों, नौ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है, भवतु, ठीक है, अपि जानीथि यूयम यत् तेषु राज्येषु, सप्त राज्यानाम एक है समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति। क्या आप ये भी जानते हैं, जानी थे मतलब जानते हैं, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, यह भी जानते हो कि उन राज्यों में जो 28 राज्य हैं उन राज्यों में सप्त राज्यानाम, सात राज्यों का एक है समवायो, एक समूह, समवाय होता है बच्चों समूह, एक समूह है जो सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। जो हमारे 28 राज्य हैं पूरे देश में, उनमें सात राज्यों का एक ऐसा समूह है जो सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आगे देखो बच्चों, सर्वे, सभी कहते हैं स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, सभी बच्चे जो हैं कक्षा में वो आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्या, देखो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, सप्त भगिन्या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब आश्चर्य से वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं सात बहनें, मतलब राज्यों को भी कोई सात बहनें कहता है, सात बहनें, सात बहनें। तो निकोलस कहता है
इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्त भगिनी क्यों कहा जाता है या सात बहनें क्यों कहा जाता है? तो अध्यापिका जवाब देती है, प्रयोगो अयम प्रतीको प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग तो प्रतीकात्मक है, मतलब जो सप्त भगिनी है वो वास्तव में जो राज्य सात बहनें थोड़ी हैं, वो तो एक प्रतीकात्मक शब्द है, मतलब उन्हें उपमा दी गई है सात बहनों की। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानी। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में समानता के कारण, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समानता के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई है। अर्थ समझो बच्चों, यहाँ पर सामाजिक, सामाजिक का मतलब क्या है, यहाँ पर समाज, जो इन समाज है वहाँ का, सातों राज्यों में वहाँ के समाज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, नियम हैं, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, वो सब मिलता जुलता है। और वहाँ सांस्कृतिक, उन वहाँ की जो संस्कृति है, ठीक है, वहाँ के जो वहाँ के जो ये बेटा त्यौहार वगैरह हैं, वहाँ की वेशभूषाएँ हैं, ठीक है, ये सब उनकी संस्कृति में उनके त्यौहार हैं, वो सब मिलते जुलते हैं। समानताएँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। तो इसी समानता, सम्याद मतलब समानता के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई है। जैसे बहनों, बहनें होती हैं उनमें आपस में बहुत समानताएँ होती हैं, शक्ल से भी और स्वभाव से भी। तो इसी प्रकार जो ये सात राज्य हैं, ये अपने प्राकृतिक रूप से भी एक लगभग समान समान है, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी लगभग समान है, इसलिए उन्हें यह सात बहनों का नाम दिया गया है। आगे देखो समीक्षा। समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। मेरा जो कौतूहल है वो शांत नहीं हुआ है, मेरी जो जिज्ञासा है जानने की ओर कि ये सब क्या है, क्यों हुआ उनका नाम सप्त भगिनी, तो इस ये जो मेरा कौतूहल है ये शांत नहीं हुआ है, जिज्ञासा मेरी शांत नहीं हुई। श्रावयतु यावत तावद यत कानी तानी राज्यानी। मैं सुनना चाहती हूँ कि वो सात राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती है, श्रुणु सुनो, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, ठीक है, सप्त राज्य समूह अयम सप्त भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, ऐसे शुरू, अ वर्ण से शुरू होने वाले तो दो राज्य कौन कौन से बच्चों, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक असम। मैं त्रयम, और मैं से शुरू होने वाले तीन, मणिपुर मिजोरम और मेघालय, ठीक है, और एक ने, ने से शुरू होने वाला नागालैंड, और त्रि से शुरू होने वाला त्रिपुरा। ये सात राज्य हैं, ठीक है, तथा द्वयम सप्त राज्यानाम, इन सात राज्यों के समूह को ही सप्त भगिनी कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि संति। ये जो सात बहनें हैं इन राज्यों के नाम हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा चैती। इस सप्त भगिनी राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र प्रमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र और परिमाण, क्षेत्र परिमाण मतलब उनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, मतलब वो राज्य जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्षेत्रफल की और माप की दृष्टि से ये छोटे, लघुनी मतलब छोटे हैं। यद्यपि ये राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, परंतु फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से, अगर गुण और गौरव की दृष्टि से देखा जाए तो बृहत राणी प्रतीयन्ते, ये बहुत ही बृहत, बृहत मतलब विशाल, बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे, अध्यापिका कहती है, इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। ये जो सप्त भगिनी राज्य हैं ये स्वीय प्राचीन इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन एव दृष्टा, स्वाधीन ही देखे गए हैं।
ये पुराने समय में हर जो प्रत्येक राज्य है किसी ना किसी के अंडर में रहा है, अधीन रहा है, लेकिन जो ये 7 राज्य हैं ये अपने पुराने इतिहास में हमेशा स्वाधीन ही रहे हैं, किसी के अधीन नहीं देखे गए। न के नापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता, इन पर किसी भी शासक ने शासन नहीं जमाया या हक नहीं जमाया, शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्ट अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण जो ये 7 राज्य हैं इनकी संस्कृति है बहुत ही विशिष्ट है। तो अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर ये 7 बहनें संस्कृति के रूप में बहुत ही महत्वदायिनी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका कहती है, श्रुतम मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तित है। सुनने में जो ये मधुर सा शब्द है सबसे पहले विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी, मतलब अब जो शताब्दी चल रही है किसकी, तो मतलब 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो पिछली शताब्दी के द्विसप्तति का मतलब, सप्तति मतलब 70, द्वि मतलब 2, ठीक है, मतलब 72। कब? द्विसप्तति तमे वर्षे, पिछली शताब्दी का जो 72वां वर्ष है, पिछली शताब्दी का 72वां वर्ष कौन सा हुआ बच्चों? 1872, ठीक है, वर्षे, सॉरी बच्चों, 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तित है। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने यह शब्द प्रयोग किया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, अस्मिन् एव काले, इसी समय पर ही इन राज्यों का पुनः, मतलब दोबारा संगठन किया गया। स्वरा कहती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, क्या इनकी कुछ और विशेषताएं भी हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो बच्चों आगे ये पाठ अब मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।